हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको और भी अच्छा करने के लिए लारी फूड हब आपके लिए लेकर आई है न्यू रेसिपी। बिकॉज खाना बनाना हुआ और भी इजी क्योंकि आपके पास है लारी फूड हब की रेसिपी। और हाँ गाइस, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ गाइस, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल में रवे की फ्रेंच फ्राइज, वो भी बिल्कुल सिंपल मेथड से। यहाँ मैंने कढ़ाई को प्री हीट करके एक कप पानी ऐड किया है। नेक्स्ट अब हम उसमें कुछ बूंद रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और पानी को एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जब पानी अच्छे से उबलने लगेगा तब हम उसमें ऐड करेंगे एक कप रवा। यहाँ मैं बारीक रवे का यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल रवे का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइस, रवे को हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। इस स्पैटुला की हेल्प से हम इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे हाई फ्लेम पे। हम इसे 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक कि ये अच्छा सा पक ना जाए। आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस हमें कैसी रखनी है। फ्लेम हम हाई रखेंगे, लो फ्लेम पे हम इसको कुक नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, वीडियो में जैसे शो हो रहा है ऐसे ही हमें कुक करना है। इसको हमें एक डो तैयार करना है। इसको ठंडा होने के लिए हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे 10 मिनट तक रेस्ट होने देंगे, जब तक ये रवा हमारा अच्छे से ठंडा ना हो जाए। ट्रांसफ़र करके हम इसको 10 मिनट तक छोड़ देंगे। गाइस, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं, फिर वो टेस्ट नहीं आता है। और हाँ गाइस, रमज़ान स्पेशल की मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है रमज़ान के स्नैक्स की, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको चिकन कटलेट, पनीर मंचूरियन सब की रेसिपी वहाँ पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं आप गाइस, रवा हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें बॉइल पोटैटो ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हम सानेंगे कि हमारा रवा और आलू अच्छे से मिक्स हो जाए। नेक्स्ट अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिएगा। यहाँ मैं ग्रीन चिली का यूज़ कर रही हूँ। 7 से 8 बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैंने डाली है और इसमें फ्रेश धनिया पत्ते ऐड किया है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा मिक्स होगा उतने ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें गाइस ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है, बहुत ईजी और सिंपल रेसिपी है। ये हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। नेक्स्ट अब हम इसको शेप देंगे। ऑयल से हम अच्छे से अपने हाथों को ग्रीस कर लेंगे और छोटा सा पहले पेड़ा रेडी करेंगे और इसको लंबा लंबा शेप देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में शो रहा, हाथ को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। अगर आप हाथ को ग्रीस नहीं करेंगे तो ये जो भी रवा का आप फिंगर बना रहे हैं ये आपके हाथों में चिपकेगा और शेप खराब हो जाएगा। आप देख सकते हैं वीडियो में जैसा शो हो रहा है सेम एज इट इज, आपको भी ऐसे ही अपने रवे फिंगर बनाने हैं। ऐसे ही गाइस, हम एक एक करके अपने सारे रवे फिंगर को तैयार कर लेंगे। हाथों को ग्रेस करना मत भूलिएगा गाइस, हाथ को हम ऑयल से बार बार ग्रेस करेंगे और ऐसे ही हम अपने सारे फिंगर को तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर दिख रहा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई भी होगा। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मेरे सारे रवा फिंगर रेडी हो गए हैं। मैंने सारे के सारे रवे फिंगर को बना लिया। अब हम इसको फ्रिज में रख भी सकते हैं, 10 से 15 दिन तक स्टोर करके इसको हम खा सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करके दिखाएंगे गाइस कि ये कितना ही क्रिस्पी है। फ्राई करते टाइम एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हम एक साथ ज़्यादा फिंगर नहीं डालें, नहीं तो ये फ्राई नहीं होंगे, आपस में चिपक जाएंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 डाल के ही रवे फिंगर को फ्राई करेंगे। फ्राई करते टाइम गाइस हम फ्लेम को हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।
रमजान स्पेशल में ये रेसिपी गाइस आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप गाइस आपको ये हमारी रवा फिंगर की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मैं आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी सुहूर स्पेशल सेवई, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।